जो कैंडिडेट है वो ही जाट ही इधर कुआर इधर खाई तो फर्क क्या है। मैंने कैंडिडेट कैंडिडेट में फर्क उठाया, जाट जाट नहीं, कैंडिडेट कैंडिडेट में फर्क यही है। उस व्यक्ति को केवल एक बस्ती ज्योति बैठा है, अगर किसी को वोट देना, हम जाट के खिलाफ इसलिए नहीं, मेरे नाना, मेरा अगर धर्म का नाना जाट है तो मैं जाट के खिलाफ थोड़ी हो सकता हूँ। जिसके जिसके गोदी में जिसके कंधे में बचपन गुजरा है तो मैं जाट जाति के खिलाफ थोड़ी, मैं तो जातिवाद फैलाने के खिलाफ। आपने आज से पहले हनुमान बेनीवाल को जाटों के अलावा किसी से बात करते हुए सुना है तो आप मुझे वो वीडियो दिखा दीजिए, मैं तो आपकी बात करूँगा। अभी किसी ने बोला वहाँ जो जायल से जो मेघवाल है, मंजू मेघवाल जो MLA है, वो तो मेघवालों के लिए भी ये बात बोलता है कि एक तो खुद की में एक तो सीट ही उठा लें, मंजू मेघवाल के राज जाटों का ट्रांसफर नहीं कर दिया, मैं तो इनको ट्रांसफर कर दिया मेघवालों को, पूर्व को कर दिया। तो वो तो न तो मेघवालों के साथ है, न ठाकरों के साथ है, न कोई मुसलमानों के साथ है, तो वो तो खुद के ही साथ है, उससे जुड़े हुए जो जो आपराधिक किस्म के लोग उसके साथ, वो भी यूथ के चंद लोग जो हल्ला कर गए। नहीं तो हम किसी भी प्रतिष्ठित घर के जाट के खिलाफ नहीं है, जो व्यवस्थित है, जो बाकायदा एजुकेटेड है, जो अच्छे की बात करते हैं। तो पिछली बार सीएम चौधरी सीआर चौधरी को जिताया था ना, आरएस अधिकारी था रिटायर, लोगों ने बाकायदा कालवी में मीटिंग करके जीता है, इसके खिलाफ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं से भी ये आपसी प्रेम की बात नहीं करते, तो ये मनुष्यता की बात करता है। अगर और इसके दादा ने आज तक यहाँ वैमनस्य तो नहीं मिलाई, इतनी बार चुन किया है, इसलिए वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। और ये नारा वापस है कि मोदी तुझसे बैर नहीं, हनुमान तेरी खैर नहीं। महिपाल सिंह मकराना है, राजपूत कर्णसेन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है मकराना विधानसभा क्षेत्र में नागौर लोकसभा चुनाव को लेकर। नागौर लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि यहाँ पे प्रत्याशियों के ऊपर जो प्रत्याशियों की जो बात है वो जो बीजेपी से गठबंधन करके आए हैं RLP के उम्मीदवार वो कहीं से भी बीजेपी के नहीं है। जो बीजेपी के यहाँ जो पूरे नागौर के जो लोग हैं वो अपने आप को ठगासा महसूस कर रहे हैं, उनके पास पहली बार बीजेपी का सिंबल नहीं है, सिंबल भी RLP का है, और जो खुद प्रत्याशी है वो यहाँ के कट्टरवादी नेताओं में से आप मान सकते हैं उनको, वो केवल जातिवादी नेता है। और एक जाति को लेकर लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, 18-19 लाख वोटर नागौर लोकसभा में हैं और केवल एक जाति के नाम लेके, एक जाति में भी केवल यूथ का जो उससे जुड़ा हुआ है उससे अगर चुनाव की कोई बात करते हैं तो हम लोग जो दूसरी जाति समाज के लोग हैं हम लोग इसका विरोध करते हैं। हम कहीं से भी बीजेपी का नाम लेके जो RLP का उम्मीदवार आया है, हम मेन से राजपूत समाज का युवा करणी सेना इसका कतई समर्थन नहीं करती। हम लोग चाहते हैं कि यह हमारे जो नागौर लोकसभा का जो भी कोई प्रत्याशी हो वो ऐसा हो जो हमारे नागौर के विकास की बात करे, नागौर में एजुकेशन की बात करे, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी बात करे, न कि कट्टरता की बात करे, ना आपस में वैमनस्यता की बात करें। अभी पिछले दिनों सामराओं में इसी प्रत्याशी ने खड़े होके आपस में जो दो गुटों की लड़ाई, दो बदमाशों की लड़ाई को एक पूरे गांव को भुगतना पड़ा, पूरे गांव के 50-40 घर जला दिए, लड़कियों के दान दहेज तक जला दिए गए, महिलाओं को अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए खेतों में भागना पड़ा। तो इस तरीके का प्रत्याशी और वहां खड़ा होकर बोलता है कि धुआं कम निकला है ज्यादा, अगर कम निकला हो तो और निकाले। ऐसा व्यक्ति अभी ना सीकर में एक बालिका का डोली लूट ली गई, एक लड़की की डोली लूट ली गई राजपूत समाज की, उसमें इस व्यक्ति के द्वारा सपोर्ट, उसका प्रवक्ता महिपाल महला वो बकायदा सीकर में जाके विरोध प्रदर्शन करता है। इस तरीके का व्यक्ति जो इस तरीके की घृणित जो घटनाएं हैं उसका समर्थन करता हो हम कतई नहीं चाहते। मैं राजपूत समाज से जरूर आता हूं पर मैं यहां का नागौर लोकसभा का एक आम कार्यकर्ता भी हूं, आम वोटर भी हूं, सामान्य एक वोटर होने के नाते, एक मतदाता होने के नाते मैं आज यहां पूरे समाज को 35-36 कौम को मैं आज जागरूक करने आया हूं कि ऐसे व्यक्ति को हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे किसी भी जाति विरादरी का व्यक्ति हो। इस तरीके की अगर व्यवस्था का कोई समर्थन करेगा तो आने वाले दिनों में वैमनस्यता बढ़ेगी, समाज आपसे आपस में समाज में झगड़े होंगे। इससे बढ़िया ऐसा कोई एजुकेटेड कोई प्रत्याशी जो इसको हरा सके
यहाँ विकास की बात कर सके, बाकायदा हमारी बात को सेंटर तक ले जा सके, ऐसा व्यक्ति हम लोग चुनेंगे जो इसको हराने की बात, इसको हरा सके, इन व्यवस्थाओं की बात कर सके, विकास की बात कर सके, एजुकेशन की बात कर सके। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए था कि आने वाले 2-3 दिनों के अंदर अंदर 4 तारीख को कालवी, जो स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवी का गाँव है, पैतृक गाँव है, लोकेंद्र सिंह जी वहाँ सभी समाजों की मीटिंग लेंगे, जो जो समाज वहाँ आ सकते हैं वहाँ वहाँ उनका बकायदा स्वागत है, और 4 तारीख को 2 बजे वहाँ मीटिंग रखी जाएगी और तय किया जाएगा हमें किसको सपोर्ट करना है। और सीधा सीधा जो अगर वहाँ नहीं आ सके, आपके माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, उन उस व्यक्ति को सपोर्ट कीजिए जो इसको हराने में सक्षम हो। हम बात करें तो साफ साफ जाहिर होता है आपके विचारों से कि आप कांग्रेस को सपोर्ट देने की बात कर रहे हैं। देखो ऐसा है, अगर कांग्रेस इनको हरा सकती है तो कांग्रेस मुझे कोई दिक्कत नहीं, बसपा हरा सकती है, सपा हरा सकती है तो मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे राजपूत समाज का एक रविंद्र सिंह फौजी अगर वो हरा सकता है तो उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर ये बैठ के तय किया जाए कि हराने वाला बेशक इस, ऐसा नहीं हो कि हम लोग किसी को डाल दें, नोटा में डाल दें, उसको डाल दें और हमारी शक्ति क्षीण हो जाए, हमारे वोटों का उपयोग भी नहीं हो और ये जीत के चला जाए। तो हम तो उस व्यक्ति को सपोर्ट करेंगे जो इसको हराने में सक्षम हो और बकायदा रिजल्ट आए कि हाँ, ऐसे व्यक्ति को हम लोग सपोर्ट नहीं करते जो जातिवाद की बात करे, जो कट्टरता की बात करे, आपस में वैमनस्यता फैलाने की बात करे। हम लोग चाहते हैं विकासवादी लोग, हम लोग चाहते हैं, ये तो बोलने के जिसको तरीका नहीं है, अपने खुद के कार्यकर्ताओं को मंच से उठा उठा के फेंकता रहता है, अपने खुद के जो जाट समाज की ये जय जयकार लगाता है, खुद जाटों के MLA के खिलाफ अपने RLP उम्मीदवार खड़ा किया है और खुद को जाट नेता बोलता है, ये सब भटकावा है, ये अपनी जाति बिरादरी के लोगों को भी सीधा सीधा ये भटका रहा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। केवल निवेदन आप लोगों के माध्यम से, ऐसे व्यक्ति का कहीं से भी सपोर्ट ना करें, आने वाले मतदान में बकायदा एक अच्छा यहाँ पे माहौल रहे लोकसभा के बाद और एक प्रेम भाव आपस में बना रहे, तो ऐसे प्रत्याशी को हम लोग जिताएं। खुल के कांग्रेस में तो आप कहाँ से पकड़ने जाओगे, कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं होता है, इसलिए आप समझिए। मैं हम लोग बोल रहे हैं तो एक सीट से मोदी जी कहीं नहीं जा रहे हैं, मोदी जी तो आ रहे हैं, पर एक सीट पे अगर कोई मोदी जी के जैसा लगने वाला व्यक्ति हो तो उसको भी आपको मौका देना चाहिए। खुल के कांग्रेस में तो आप कहाँ से पकड़ने जाओगे, कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं होता है, इसलिए आप समझिए। मैं हम लोग बोल रहे हैं तो एक सीट से मोदी जी कहीं नहीं जा रहे हैं, मोदी जी तो आ रहे हैं, पर एक सीट पे अगर कोई मोदी जी के जैसा लगने वाला व्यक्ति हो तो उसको भी आपको मौका देना चाहिए।